अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं मटन सामी कबाब। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम चने की दाल ली और उसे 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। ये भीगी हुई दाल है। 300 ग्राम हमने मटन लिया है, बोनलेस मटन है। और यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसकी जगह आप साबुत मसाला भी ले सकते हैं। नमक लेंगे 1 टीस्पून, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लहसुन के जवे लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम मटन को अच्छी तरह गला लेते हैं। प्रेशर कुकर में हम ये मटन को डालेंगे, चने की दाल डाल देंगे, ये सारे मसाले भी डाल देंगे। 1 कप हमने इसमें पानी डाला, पानी हम इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि मटन और चने की दाल अच्छी तरह गल जाए। तो पानी हमने उतना ही डाला है जितने में मटन और चने की दाल अच्छी तरह गल जाए। तो अब लगा लेते हैं हम इसका ढक्कन। 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे, या आप इसे तब तक पका लें जब तक कि आपका मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे रख देते हैं। मटन और दाल अच्छी तरह गल गए हैं, आप यहाँ देख सकते कि ये मटन देखिए ये अच्छी तरह गल गया है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो पानी हमने इसमें 1 कप डाला था और पानी बिल्कुल परफेक्ट रहा है। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे हम इसी तरह पीसेंगे। दाल और मटन को पीसने के बाद में 1 बड़ी साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, ये डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप बारीक कटा हुआ पुदीना और 1 नींबू का रस लिया है। तो 1 अंडा लिया और अंडे को हम अच्छी तरह फेंट लेते हैं। हाथों पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये मिक्सचर को लेंगे, ना ज्यादा बड़े और ना ज्यादा छोटे, मीडियम साइज के हम कबाब बना लेंगे। इस तरह के कबाबों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह कबाब को बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर हम इसे अंडे में डिप करेंगे। कबाबों को हमने बना लिया है, अब गैस पर रखेंगे हम 1 तवा और जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा फिर हम इसे अंडे में डिप करके इसे फ्राई करेंगे। तवे में हमने 2 टेबलस्पून तेल को डालकर गर्म कर लिया है। अब यहाँ हम 1 कबाब लेंगे और इसे अंडे में इस तरह डिप करेंगे। और इसे इस तरह फ्राई करेंगे। गैस को हमने यहाँ थोड़ा सा मध्य ही रखा है और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद में अब इन्हें हम पलट लेंगे। थोड़ा सा मध्य ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। कबाब जब दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ये कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। और इस तरह सारे कबाबों को फ्राई कर लें। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार से ये मटन सामी कबाब बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसे बने। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।